वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज पछे वेक्टर के आगे कॉन्टिन्यूटी में मूव करते हुए आज पछे मैं आपको वेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अभी तक बच्चे मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कि लास्ट वीडियो में बच्चे मैंने आपको बता दिया था, आज की वीडियो में आपको मैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है दो वेक्टर की, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट आपका टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। रीड भी यही करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल टू होती है, वो इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी इन दो वेक्टर के जो भी मैग्नीट्यूड हैं उनकी प्रोडक्ट कर दो और उनके बीच में जो भी एंगल है उसके कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो डेफिनेशन क्या बनी, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम। तो उनके वेक्टर की जो भी वेक्टर है उनके वेक्टर की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट लो और उनके बीच में जो भी एंगल है उसके कोस थीटा लेके उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये जो भी आएगा यही डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ वर्क डन। वर्क डन क्या चीज़ होती है बच्चे, वर्क डन एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअली वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, यहीं से देख लीजिए। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, एफ एस कोस थीटा के बराबर होगी। तो कोस थीटा क्या है, एफ और एस के बीच का एंगल है। देन अगर मैं आपकी बात करें आपके स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल करते हुए आपको बड़े यूजफुल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव करते हुए यूजफुल रहेंगे, ध्यान से करिएगा। सबसे पहला पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज ए स्केलर। दो वेक्टर के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो स्केलर होती है। स्केलर होने के कारण इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब, जब आपका एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री से लेसन होगा। बच्चे आपको पता है, देखिए अगर एंगल 90 डिग्री से लेसन है, अगर आपका एंगल एक्यूट है तो कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर कोस थीटा पॉजिटिव है तो दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बट इफ द एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूस यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ, तो आपका 90 जैसे आपका एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपका कोस थीटा नेगेटिव है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपकी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ सकती है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी बात की थी, बिल्कुल वैसे ही कॉम्यूटेटिव वेक्टर जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इट्स मीन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, यानी रिवर्ट करके लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखिए ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो ए को आप दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दोनों के ऊपर आपने दोनों वेक्टर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नंबर फोर्थ के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे क्या करके बताइए, मुझे इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल के दिखाइए। एज वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज गिवन बाय ए बी कोस थीटा, therefore cos theta is equal to a vector dot b vector divided by ab। तो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, यही cos theta है। एंगल निकालना है तो cos को तो लेके cos inverse लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके दो वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एंगल कितने डिग्री का होगा, जीरो डिग्री का होगा। अगर एंगल जीरो डिग्री का हुआ तो cos theta की वैल्यू, cos जीरो डिग्री क्या होती है, वन मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो आपके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे या उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, जीरो डिग्री का हो। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ए बी के बराबर, क्योंकि कोस जीरो डिग्री तो वन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मिनिमम कब आएगी, तो मिनिमम कब आएगी, जब कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, जो कि 180 पे होती है। तो यानी दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम आएगा, वो आएगा माइनस ए बी के बराबर। बट अगर आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, उनकी डॉट प्रोडक्ट, बच्चे देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो एंगल 90 डिग्री का और कोस 90 कितना होता है, जीरो। इट्स मीन दो वेक्टर के बीच की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी। तो कभी भी किसी न्यूमेरिकल में प्रूव करना हो कि कोई दो वेक्टर दिए हैं इन्हें परपेंडिकुलर प्रूव कर दीजिए, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। या अगर आपको दिया हो कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट को जीरो मान के चलिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई जे के क्या होते हैं, आपके यूनिट, आपके सबसे सिंपल बेसिक यूनिट वेक्टर हैं आई एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अगर मैं आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर
ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं आई की जे के साथ, जे की के साथ और के आई से साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मुझे पता है इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो। यानी सेम के साथ डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा जीरो के बराबर ही आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं एक वेक्टर को उसी से आपकी डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ तो दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होगा, आपका जो इक्वल टू मैग्नीच्यूड का स्केल आ जाएगा। देखिए दो सेम वेक्टर है मान लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, इसका मैग्नीच्यूड, इसका मैग्नीच्यूड, दोनों सेम है तो एंगल कितने डिग्री का हुआ, जीरो डिग्री का, तो आपका क्या आएगा, ए स्केयर। तो सो दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीच्यूड के स्केयर के बराबर होती है। नेक्स्ट अगर नंबर 10 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो है, मान लीजिए एन एक यूनिट वैक्टर, तो अगर मैं दो यूनिट वैक्टर की मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, देखो दो यूनिट वैक्टर सेम है ना, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कराऊँ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीच्यूड 1, इसका भी 1, दोनों सेम है तो एंगल 0 डिग्री का, कोस 0 डिग्री भी कितना होता है 1 into 1 into 1 के बराबर आ जाएगा। इट्स मीन सेम यूनिट वेक्टर को सेम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आई कैप को आई से, जे कैप को जे से, के कैप को के से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। डिफरेंट के साथ करोगे तो 0, सेम के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट से ये भी बच्चे बहुत बार आता है, कंपोनेंट, अगर आपने क्या करना हो, कंपोनेंट की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर है जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, सिमिलरली बी है बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, मुझे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, ए की जगह ए की वैल्यू रखो, डॉट बी की जगह बी की वैल्यू रखो। अब मुझे पता है यहाँ से आई के साथ आई की, जे के साथ जे की, के साथ के की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, बाकी के साथ 0 होती है, तो इट्स मीन आई के साथ आई ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी, इन दोनों से करोगे तो 0 आ जाएगा, तो आई को आई से करोगे तो आई कैप 1 हो गया, ए एक्स इंटू बी एक्स आ जाएगा, जे की जे के साथ होगी जे इंटू जे 1 हो जाएगा, ए वाई बी वाई आ जाएगा, और के की के साथ होगी तो ए जेड बी जेड आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे आप कार्टिजियन कोऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट 12 पॉइंट है, जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई या कंपोनेंट, मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है, तो मान लीजिए ये है मेरा बी वेक्टर, ये है मेरा ए वेक्टर, इनके बीच में एंगल बना है थीटा, तो बताइए ए का कौन सा कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में आएगा, थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा ही क्या है, ए कोस थीटा ही प्रोजेक्शन है ए की बी की डायरेक्शन में। अगर मुझे इसे स्केलर फॉर्म में निकालना हो तो स्केलर फॉर्म में मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, तो बताइए ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन क्या है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा ही होगा। कोस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा किसके बराबर आएगा बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा होगा दो वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, ए से कैंसिल हो गया, यहाँ तक आप लिख दीजिए। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर आपको बताया था, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए तो ये यूनिट वेक्टर के बराबर आता है, तो जब भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालनी हो स्केलर फॉर्म में तो ये रिजल्ट आएंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी, तो ए का सबसे पहले कंपोनेंट निकाल लीजिए, वो तो ए कोस थीटा, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, बी वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन को क्या बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है, यूनिट वेक्टर बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप, यानी ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, ए कोस थीटा को बी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपकी वेक्टर फॉर्म होगी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की। ए कोस थीटा ए को बाहर रखिए, कोस थीटा की वैल्यू वैसे ही दोबारा पुट कीजिए, ए से ए कैंसिल कर दीजिए, बी कैप बाहर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बी कैप, तो ये लीजिए आंसर। देखो स्केलर फॉर्म है तो ये आंसर था, वेक्टर फॉर्म है ये है, बस बी कैप से और मल्टीप्लाई हुआ। इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, मैंने आपको सारे वेक्टर्स के प्रोडक्ट और उससे जितनी भी रिलेटेड प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बताई। चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लीजिए बच्चे आपके क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर ऐसा कर देते हैं, एक क्वेश्चन मैं वैसे बना देता हूँ, मान लीजिए दो वैक्टर हैं ए वैक्टर और बी वैक्टर, क्या दो वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वैक्टर, इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वैक्टर नेगेटिव, आपका आंसर होगा यस, दो वेक्टर के बीच की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है आपका एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी इफ एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हुआ तो श्योरली उनके बीच की जो भी आपकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा,
तो इस तरह बच्चे आपकी एक छोटी सी थियोरटिकल आपको पॉइंट बताया। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि 4i प्लस एन जे माइनस 2k, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के बराबर। आपको n की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो आपका n दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। और जबकि आपको दिया हुआ है a परपेंडिकुलर टू b है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी जीरो के बराबर। तो लीजिए इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर कर दीजिए, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कीजिए, बी की जगह बी की वैल्यू, बीच में डॉट लगा हुआ है, इक्वल टू जीरो। आई के साथ हमेशा आई की ही प्रोडक्ट होगी, बाकी के साथ करोगे तो जीरो आएगी। तो आई वाली टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आई डॉट आई तो वन, फोर इंटू टू कितना हुआ, एट हो गया। जे वाली जे के साथ होगी, एन इंटू थ्री कितना हुआ, थ्री, ठीक है। और के वाली किसके साथ होगी, के के साथ होगी, के कैप के आपका वन हो गया, माइनस टू इंटू वन टू के बराबर आ गया, इक्वल टू जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपकी जीरो के बराबर थी। सॉल्व कीजिए, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो लीजिए मैंने आपकी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी। तो इस तरह बच्चे मैंने क्वेश्चन को बड़े ईजिली वे में सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, मान लीजिए तीन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। तीनों वेक्टर के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, ए वेक्टर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर। तीनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो दे रखा है, ए का है 5, बी का है 4, सी का है 3। आपने ए और सी के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तीन वेक्टर दे रखे हैं, रिलेशन ये है, मैग्नीट्यूड ये है, और आपने क्या बताना है, इनके बीच का एंगल आपने बताना है। ओके, सबसे पहले हिंट आपको बताता हूँ, जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो उसे इक्वल की एक साइड ले जाइए, मतलब ए और सी के बीच का एंगल बनाना था तो ए और सी को इधर ले आइए, सी को इधर ले आइए, सी जैसे इधर आएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू बी आ जाएगा। दोनों साइड स्केयरिंग, मतलब इसी टर्म को इससे मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए, स्केयर कर दीजिए, स्केयर आपकी दो वेक्टर की, दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट स्केयर के बराबर ही होती है। तो इनकी सेम के साथ सेम की डॉट प्रोडक्ट करवाइए, ऐसी बी की बी के साथ कर दीजिए, मतलब स्केयरिंग कर दीजिए मैंने दोनों साइड। अब आपको बताया था एक वेक्टर को वेक्टर से, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा, फिर ए को सी से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, फिर सी को इन दोनों से करोगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और सी को सी से करोगे तो प्लस सी स्केयर आ जाएगा, बी को बी से करोगे तो बी का स्केयर आ जाएगा। क्योंकि आगे मूव करें, ए का स्केयर ए स्केयर आ गया, ये यहीं आ गया, क्योंकि आपकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव होने का मतलब आप ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए भी लिख सकते हो, तो इसे रिवर्ट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो इसे ट्वाइस करके लिख लीजिए। आपने क्या निकालना था, ए और सी के बीच का एंगल निकालना था, इस टर्म को छोड़ के इन दोनों, या तो इसको इक्वल के उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ऐसा करने से क्या होगा, बी स्केयर माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। ए सी, ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कीजिए, ए सी कोस थीटा, कोस थीटा निकालना है, इन टर्म को नीचे भेज दीजिएगा, ये लीजिए। आपको क्या ए बी सी तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे थे, बिल्कुल दे रखे थे, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, पुट करने के बाद कोस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। इस तरह बच्चे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, मान लीजिए बच्चे आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं ए कैप और बी कैप। एज वी नो दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। आपको दिया हुआ है दो यूनिट वेक्टर की सम का मॉडुलस, दो यूनिट वेक्टर की सम का मॉडुलस रूट थ्री के बराबर दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, मतलब एक टर्म दे रखी है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। सबसे पहले ये चीज़ दे रखी है तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं ए और बी के बीच का एंगल निकाल लेता हूँ, और उस एंगल का यहाँ पे यूज़ करके बच्चे मैं इस क्वेश्चन को बड़े इजीली वे में सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, इस टर्म का स्केयर कर दीजिए, स्केयर का मतलब इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, रूट थ्री का स्केयर थ्री हो जाएगा, इसी के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, ए कैप इंटू ए कैप, याद कीजिए सेम यूनिट वेक्टर को सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा, फिर आएगा ए कैप बी कैप, फिर बी कैप ए कैप, और फिर बी के साथ बी की करोगे तो वन ही आ जाएगा। ये वन प्लस वन कितना हुआ, टू, इसे उधर भेज दीजिए तो थ्री माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि आपकी डॉट प्रोडक्ट या आपकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है कॉम्यूटेटिव होती है, तो मैं इसे ए कैप डॉट बी कैप लिख सकता हूँ, ऐसा करने से ये ट्वाइस हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो इन दो वेक्टर के बीच की डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कीजिए, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, इसका वन, कोस थीटा इक्वल टू वन, तो कोस थीटा आ गया 60 डिग्री का। तो इस तरह मैंने ये निकाल लिया इस रिलेशन की हेल्प से कि ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितने डिग्री का है बच्चे, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लीजिए मुझे ये वाली टर्म सोल्व करनी थी, चलो अब इस टर्म को बच्चे मैं सोल्व कर देता हूँ कैसे करेंगे।
मुझे सोल्व करना था, मुझे वैल्यू निकालनी थी किसकी, मुझे वैल्यू निकालनी थी बच्चे ए कैप, ठीक है, मुझे क्या वैल्यू निकालनी थी, मुझे वैल्यू निकालनी थी आपके बच्चे ए कैप माइनस बी कैप डॉट टू ए कैप प्लस बी कैप की। सबसे पहले ए कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा टू ए कैप का स्क्वायर, मतलब मुझे पता है इसका वैल्यू वन ही है, यूनिट वेक्टर था ना, ए कैप के साथ ए कैप से करोगे तो वन ही आएगा, ए स्क्वायर वन के बराबर है, पुट कर दूंगा। फिर ए के बी कैप के साथ करिए, फिर ये माइनस की इसके साथ, फिर माइनस की इसके साथ करोगे तो यहाँ बी का स्क्वायर, मुझे पता है ए कैप और बी कैप तो दोनों यूनिट वेक्टर थे तो इसका मतलब इसके स्क्वायर और ये वाली वैल्यू वन है, तो यहाँ वन पुट करोगे टू आ जाएगा, यहाँ वन पुट करोगे तो वन का स्क्वायर वन ही आएगा। यहाँ ए कैप बी, यहाँ टू बी कैप ए लिख लीजिए, टू माइनस वन मैंने कर दिया, टू में से माइनस वन गया वन बचा, ठीक है। इसे आगे सोल्व कीजिए, इसे और आगे सोल्व करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, हाँ जी इसकी यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सोल्व कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड वन इसका वन, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, मैं पहले ही जान चुका हूँ 60 डिग्री का। इसे भी सोल्व कीजिए, टू यूनिट वेक्टर वन इनके बीच का एंगल भी 60 डिग्री, ये वन आ गया, ये वन बाय टू, ये टू इंटू वन बाय टू वन आ गया, वन में से वन माइनस हो गया तो वन बाय टू लीजिए, मुझे पता लग गया इनका आंसर कितना आया, वन बाय टू के इक्विवेलेंट आ गया। तो इस तरह बच्चे कंसेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल बड़े इजीली वे में सोल्व हो जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखिए, और देखते हुए बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपके दो वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, आपको दिया हुआ है दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी बताया हुआ है ये परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर है दिया हुआ है, आपने बताना है ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल क्या होगा, यानी ये दे रखे हैं कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और इनके बीच का एंगल बताना है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हों, आपको याद कीजिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। दो वेक्टर ए की जगह ए की वैल्यू की है, बी की जगह बी की वैल्यू, इनकी डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर कर दीजिए। पहले ए कैप को ए कैप से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए कैप को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में ये बी वाली टर्म को बी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो रख दीजिए। ए कैप का तो आपको बच्चे पता है ए कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वन के बराबर है, तो यहाँ तो फाइव आ गया, ए इसको ऐसे कैसे लिखा रहने दें, इसको आप रिवर्ट करके लिख लीजिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कॉमेटेटिव होती है, सेम के साथ सेम की यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वन के बराबर होती है, तो यहाँ माइनस एट इक्वल टू जीरो आ गया। माइनस एट में से प्लस फाइव गया तो यहाँ कितना आएगा बच्चे, माइनस थ्री बचा, टेन में से फोर गया तो यहाँ सिक्स ए कैप डॉट बी कैप आ गया इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री को इधर ले जाइए, सिक्स को नीचे ले जाइए तो ये वन बाय टू के इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी ए कैप बी कैप इक्वल टू वन बाय टू, और आपने ए और बी के बीच का ही एंगल निकालना था, तो इन दो वेक्टर के बीच में आपकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड वन इसका मैग्नीट्यूड वन, एंगल कोस थीटा इक्वल टू वन बाय टू, वन टू वन वन कोस थीटा इक्वल टू वन बाय टू, 60 डिग्री पे होता है। तो इस तरह बच्चे मैंने निकाल दिया कि इन दो वेक्टर के बीच में आपका जो एंगल है वो कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर फोर, जो है बच्चे मेरा एक वेक्टर दे रखा है टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर जो है आई कैप प्लस जे कैप। आपको मुझे बताना है, आपको एक तो मुझे बताना है इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, एक तो ये बताना है मुझे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में मुझे एंगल बताना है, एंगल बताना है तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए बी कोस थीटा, कोस थीटा निकालनी है तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए बी, मुझे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए की जगह ए की वैल्यू रखो, बी की जगह बी की वैल्यू रखो, सिर्फ आई वाली टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, जे वाली जे के साथ, तो टू वाली आई इंटू आई वन हो जाएगा, टू वन, टू इंटू वन वन हो गया, माइनस टू इंटू वन कितना हुआ, माइनस टू हो गया, ठीक है। के वाली तो है ही नहीं, के को जीरो के साथ करोगे तो जीरो ही हो जाएगी। फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, बट ऊपर देखिए टू माइनस टू कितना होता है, टू माइनस टू जीरो होता है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आपका कोस थीटा जीरो डिग्री का आया। अगर कोस थीटा जीरो डिग्री का है तो थीटा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह बच्चे मैंने इन दो वेक्टर के बीच में क्या निकाल दिया है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करके दिखा दिया है। ओके, मैंने क्या किया बेटा, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो निकाल के दिखा दिया है, अब आपको क्या करने जा रहा हूँ। ओके, अब मैग्नीट्यूड तो बच्चे मैंने इन दोनों का आपको निकाल के दिखा दिए, इस क्वेश्चन में मान लीजिए एक और पार्ट बच्चे आपको दिया हुआ है, क्या है वो पार्ट, चलिए वो डिस्कस करते हैं आपके लिए। तो इस तरह बच्चे मैंने आप दो वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर था बी वेक्टर था, इन दोनों के बीच में मुझे क्या बताना था, एंगल बताना था, तो मैंने इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाली, कोस थीटा निकाला तो मुझे पता लगा कोस थीटा ऊपर से टू माइनस टू जीरो आ गया था, तो जीरो आ गई, तो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का।
इसका एक और भी पार्ट दे रखा है, वो पार्ट क्या है बच्चे, मान लीजिए ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, याद कीजिए जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनकी एडिशन के बराबर होता है। तो आर वेक्टर क्या होगा, इनकी एडिशन के बराबर, मतलब ए और बी की एडिशन कर लीजिए, 2i प्लस आई 3i माइनस 2j प्लस j माइनस k, ये तो लीजिए एडिशन आई। इन दो वेक्टर की, जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं, उनके जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकालो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर a और b दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका x कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या होता है, जो i कैप के साथ जो लिखा होता है, तो इसका मतलब x कंपोनेंट कितना हुआ इसका, 3 ही आपका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए इस स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, वो है ए वेक्टर है मान लीजिए 2i प्लस 3j के बराबर और आपका दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i प्लस j कैप के बराबर, ठीक है। मुझे क्या बताना है, मुझे बतानी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए की क्या प्रोजेक्शन है बी के ऊपर, वही मुझे आपको बतानी है। तो मैं सबसे पहले फिगर बना देता हूँ, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ए की प्रोजेक्शन क्या होगी, ए की प्रोजेक्शन होगी ए कोस थीटा, और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में बतानी हो तो ए कोस थीटा, ये तो प्रोजेक्शन होगी ए की बी के ऊपर। अगर वेक्टर फॉर्म बतानी हो तो डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बी कैप होगी, तो ए को बाहर रखिए, कोस थीटा क्या होता है बच्चे, कोस थीटा अगेन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी के बराबर, ए से कैंसिल हो गया। तो आपका सबसे पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आपकी आई के साथ आई की होती है, जे के साथ जे की होगी, यानी 2+3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 ही है ना कंपोनेंट, फिर बी कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप, और उसका मैग्नीट्यूड यही हुआ, तो नीचे √2 √2 हो गया, 3+2 कितना हुआ बच्चे, 3+2 कितना हुआ, 5 हो गया। ये ऐसे कैसे लिखिए, ये लीजिए मैंने इस तरह बच्चे इस क्वेश्चन कर दिया। तो इस तरह बच्चे आपकी मैंने पूरा टॉपिक आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट करवाया, सारे न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे मैंने वो किए, ठीक है। चलिए ये टॉपिक बच्चे आपका ओवर हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चे आपको वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे आपको बताया जाएगा, ठीक है, थैंक यू बेटा।